हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। द टॉपिक इज फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ DBMS। लेकिन अब हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि DBMS से पहले कौन सा सिस्टम यूज होता था, या मतलब उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी जो DBMS ने आके रिमूव की, या जिसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि DBMS में ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं जो इसने पुराने सिस्टम को या ट्रेडिशनल सिस्टम को रिमूव किया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम की, मतलब DBMS से पहले क्या यूज होता था, फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम इट डजेंट मीन कि आज के टाइम पे यूज नहीं होता। मैं इसका बहुत ही एक स्मॉल सा और रियल लाइफ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो सिनेरियो था 1970s का, वहाँ पे डेटा को कैसे एक्सेस करते थे कि जैसे मैं यूजर हूँ, मेरे सिस्टम में डेटा है और मैं उस डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ। मतलब मैं एज ए यूजर डेटा को सेव कर रहा हूँ और मैं ही डेटा को यूज कर रहा हूँ। अब इस केस में फाइल सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज यूजर हमेशा डेटा को मैनेज कैसे करता है, फाइल्स की फॉर्म में। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी है, मैं अपनी ड्राइव्स बना के, जैसा कि हम आज के टाइम पे भी हम देखें तो हमारे लैपटॉप्स में क्या आता है, साथ में फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है फाइल सिस्टम, जैसे कि CIFS, NFS फाइल सिस्टम्स यूज होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो भी डेटा आपका है उस डेटा को आप फाइल्स की फॉर्म में, जो हम ड्राइव्स बनाते हैं, ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, सब फोल्डर्स बनाते हैं, हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। दैट इज व्हाट अ यूज ऑफ द फाइल सिस्टम। लेकिन DBMS फिर क्यों यूज कर रहे हैं हम, जब फाइल सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है, तो देन व्हाई वी आर यूजिंग द DBMS? बिकॉज वी आर नाउ यूजिंग द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मीन्स कि जो मेरा डेटा है वो सिर्फ मेरे पास नहीं है, मतलब मेरा डेटा को सिर्फ मैं ही एक्सेस नहीं कर रहा, मेरा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ा है और उस डेटा को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजर यूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इसको सिंपल से डायग्राम से दिखाऊं, ये मेरा एक सर्वर है, सर्वर के साथ मेरा डेटा पड़ा है और इस सर्वर के साथ अटैच्ड है बहुत सारे यूजर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है और वो उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस केस में जहाँ पे मेरे यूज़र जो हैं वो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट हैं, अब वो जब डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम फाइल सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते, DBMS को यूज़ करना पड़ेगा। द रीज़न बीइंग इज द फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS। पहला पॉइंट है कि जब हम डेटा को सर्च करते हैं, जैसे अगर हम IRCTC की बात करें, अगर हम IRCTC में एक ट्रेन को सर्च कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं 1 KB के डेटा को सर्च कर रहा हूँ, 1 KB के डेटा को, मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी है। अब उस ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी है, अगर वहाँ पे फाइल सिस्टम का यूज़ होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, मेरे पास पूरी की पूरी फाइल आ जाएगी, किसकी, पूरी की पूरी ट्रेन्स के डेटा की फाइल आ जाएगी। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू सर्च 1 KB ऑफ डेटा, लेकिन मेरे पास डेटा कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 25 GB। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 25 GB का डेटा ट्रेवल हो रहा है और उसमें टाइम लगेगा, मेरे सिस्टम में 25 GB आ रहा है, अननेसेसरी मेमोरी यूज हो रही है और उस डेटा में से मुझे सिर्फ 1 KB का डेटा सर्च करना है, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इसीलिए अब आता है DBMS का कॉन्सेप्ट। DBMS क्या बोलता है, आपका ये 25 GB का डेटा है वो किसके पास पड़ा है, सर्वर के पास, मतलब इंडियन रेलवेज के सर्वर के पास वो सारा का सारा डेटा पड़ा है। अब यूजर क्या करेगा, वो एक सिंपल सी क्वेरी लिखेगा बाय यूजिंग द SQL और उस क्वेरी के बेस पे उसके पास कितना डेटा आएगा, सिर्फ 1 KB का। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मेरी जो सर्चिंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पे फास्ट हो रही है और मेमोरी जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या हो रही है, एफिशिएंट। द सेकंड पॉइंट इज जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम, वी रिक्वायर एट्रीब्यूट्स, मतलब मुझे उस फाइल का नेम, फाइल की लोकेशन, फाइल की परमिशंस, लाइक वो जो डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूं उस डेटा का मेटा डेटा मेरे को चाहिए पहले। जब वो मेटा डेटा मेरे को मिलेगा, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल के बारे में जो डेटा है वो डेटा पहले मुझे चाहिए। जैसे हम नॉर्मल अपने सिस्टम में एक्सेस करते हैं फाइल, तो लोकेशन आती है C:# folder 1:folder1/folder2, दैट इज व्हाट आर लोकेशन। जब वो मेरे पास होगी तभी मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन यहां पे डीबीएमएस में कोई लोकेशन नहीं है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो यूजर है, यूजर को पता ही नहीं एक्चुअल में डेटा कहां पे स्टोर है। यूजर अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से सिर्फ एक क्वेरी लिखेगा बाय यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है जो मेरे को, जैसे हम IRCTC में करते हैं, हम IRCTC के वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उस एप्लीकेशन पे और वेब एप्लीकेशन पे हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। और वो रिस्पॉन्ड करने के लिए मेरे को कोई एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा एक्सेस करना है और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे मेरी सर्चिंग जो है वो इजीनेस है, मतलब यहां पे इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है डीबीएमएस। थर्ड पॉइंट इज कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब क्या है, आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा जो ये यूज होता है कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्करेंसी, मतलब कॉन्करेंट एक्सेस, मतलब मल्टीपल पर्सन एक ही टाइम पे, मल्टीपल पीपल दे आर एक्सेसिंग द डेटा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जब अगर हम बात करें IRCTC की, इंडियन रेलवे के एग्जाम्पल को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो DBMS है एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लें या रियल लाइफ एग्जांपल को समझ लें तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी भूलेंगे नहीं। अब हम बात करें कॉन्करेंसी की, तो जो हमारा इंडियन रेलवे का सिस्टम है, अगर हम इंडियन रेलवे को एक्सेस कर रहे हैं, मैं एक ट्रेन की बुकिंग कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि अकेले आप ही यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे इंडियन रेलवे के सिस्टम को? नहीं। अगर एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग रोज 2 से 3 लाख ट्रांजैक्शन होती हैं IRCTC के सर्वर पर। अब इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब एक टाइम पे हो सकता है 1000-2000 ट्रांजैक्शन चल रही हैं। अब इस टाइम पे अगर इतने यूजर जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंसी। और ये कॉन्करेंसी के लिए फाइल सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब अगर 1000 बंदे एक ही टाइम पे फाइल को एक्सेस कर जाए तो वहां पे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। लेकिन जो DBMS है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है, इसमें कॉन्करेंसी के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा कि अगर 2 बंदे रीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टाइम पे रीड राइट कर रहे हैं प्रॉब्लम है, राइट रीड में प्रॉब्लम है, राइट राइट में प्रॉब्लम है। ये सारा हम जब ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी का यूनिट आएगा, जब टॉपिक आएगा वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्करेंसी के लिए DBMS में प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती। फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। यस, सिक्योरिटी दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउअडेज। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या उसी डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, या यहाँ पे कुछ रोल बेस्ड काम होना चाहिए। रोल बेस्ड मतलब जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं अगर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एडमिन के भी लोग हैं, डीन भी है। तो जो डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्या वही डेटा स्टूडेंट भी एक्सेस कर रहे हैं, क्या वही डेटा डीन भी एक्सेस कर रहा है, या वहाँ पे कोई हायरार्किकल सिक्योरिटी है। हायरार्किकल मतलब इसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड सिक्योरिटी। रोल बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं अलग अलग रोल बना दूंगा, मतलब एक स्टूडेंट है, काइंड ऑफ यूजर, आप इसको कह सकते हो यूजर रोल बना दिया या यूजर बना दिया, एक स्टूडेंट है, एक लाइक फैकल्टी है और एक लेट्स से डीन है। तो सबके लिए अपना अपना रोल बेस्ड, इसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और ये आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी साइट पे अगर आप, मतलब अगर एक किसी भी वेबसाइट पे, लेट्स से कि आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे कोई फॉर्म भर रहे हैं SSB के लिए, तो क्या लगता है आपको कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे चेक कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड बंदों के लिए अलग से, यूजर्स के लिए अलग से रोल है और आपके लिए अलग से वहाँ पे रोल बना हुआ है, ताकि आप जितना डेटा वो आपको दिखाना चाहते हैं सिर्फ उतना ही डेटा आपको विजिबल होगा, बाकी का डेटा आपके लिए वो इनविजिबल है, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है मेरे को। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कोई सीन नहीं है, बिकॉज फाइल सिस्टम को हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हायरार्किकल बेस्ड, हायरार्किकल मतलब लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? जब आप फ्लैप ऑन करते हो वहाँ पे पासवर्ड आता है, आपने पासवर्ड भरा, सिस्टम ऑन, जब सिस्टम ऑन हो गया कोई भी ड्राइव में चले जाओ, सी में चले जाओ, डी में चले जाओ, मतलब वहां पे ये तो हो गया सिर्फ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब 1000 बंदे उस डेटा को एक्सेस करेंगे तब फाइल में कोई सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन डीबीएमएस जो है वो रोल बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अलग अलग यूजर बना सकते हो, अलग अलग रोल बना सकते हो, जिससे क्या है कि पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ उतना ही डेटा विजिबल होगा, बाकी का डेटा उसको लगेगा कि है ही नहीं, बट यस बाकी का डेटा अवेलेबल होगा, वो किसी और रोल में अवेलेबल होगा। सो दैट इज वाई सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये एस्पेक्ट जो है वो डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। फिफ्थ वन इज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी। डेटा डुप्लीकेसी मतलब मैं एक फाइल में कोई डेटा स्टोर कर रहा हूं, मैंने एक ही डेटा को 4 बार स्टोर कर दिया। लेट्स से मैं एक एक्सेल की फाइल बना रहा हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट है राम और उसका रोल नंबर है 1, मैंने 1 राम 1 राम 1 राम 1, यार जब स्टूडेंट ही एक है तो उसका डेटा 4 बार क्यों स्टोर कर रहे हो? लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक कर लेगा कि एक ही फाइल को 2 बार तो नहीं स्टोर कर रहे सेम नाम से, लेकिन अगर आप नाम चेंज कर दो तो वो भी स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जो फाइल्स विद डिफरेंट नेम्स आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन कंटेंट उसमें एक ही होगा। लेकिन डीबीएमएस के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है जो डेटा इंटीग्रिटी में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग कंस्ट्रेंट जो है वो इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है वो रिडंडेंट ना हो, मतलब यूनिक डेटा को ही मैं स्टोर कर सकूं। सो दिस इज हाउ डीबीएमएस इज सुपीरियर देन द फाइल सिस्टम। और यही रीजन है कि आज के टाइम पे जितने भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, उनमें बैकएंड पे क्या यूज करते हैं हम? डीबीएमएस। फ्रंट एंड पे क्या है? हम लोग हैं यूजर, हम कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, अमेजोन यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, हम कौन है? फ्रंट यूजर है, डेटा को यूज कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड पे क्या है? डीबीएमएस है जो उस डेटा को, जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज कह सकते हो या फिर डीबीएमएस की एडवांटेजेस कह सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। थैंक यू।